हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर2 डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के चार जोन के एग्ज़ाम डेट एंड सिटी 2022 का डेट जो है कि बता दिया गया है। जैसे आप जोन में बता दूं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे यदि इस जोन से भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन से आप यदि फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम डेट एंड सिटी कब आप जो है कि देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, ये चीज़ें मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी से यदि आप भरे हैं तो सेम प्रोसेस वही है। सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम डेट कब से कब तक है और कैसे आप जो है कि एग्ज़ाम डेट एंड सिटी चेक करेंगे, देखेंगे। नॉर्थन रेलवे नई दिल्ली, साउथर्न रेलवे चेन्नई, ये चार जोन के एग्ज़ाम जो है कि 8 से लेकर 19 सितंबर तक चलने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आप एग्ज़ाम डेट एंड सिटी कैसे कुछ सेकेंड में ही डाउनलोड करेंगे जब आपका 30 तारीख को अपलोड होगा। तो देखिए, मेरा मकसद यही है कि आप पहले से जानकारी प्राप्त करके रखिए ताकि आपको जिस दिन अपलोड हो आपको घबराहट ना हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी की मतलब आपको सहायता की ज़रूरत ना पड़े, पहले से आपको जानकारी रखनी चाहिए। यदि एप्लीकेशन नंबर आई आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको दूँ वो मिस ना कर पाएँ। देखिए, कल का ही जो है कि ये अपडेट हमको मिला है 26 अगस्त 2022 का, ठीक, देख लीजिए डेट भी, मैं ये कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, ये रियल चीज़ें हैं। RRC फर्स्ट 2019 लेवल फर्स्ट पोस्ट, ये ग्रुप डी का है। और रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट लेवल फर्स्ट ऑफ 7 CPC मैट्रिक, नोटिस फॉर एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT फेज थ्री में एग्ज़ाम जो है कि जिन चार जोन का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी और नॉर्थन रेलवे नई दिल्ली और साउथर्न रेलवे चेन्नई, चार जोन के एग्ज़ाम जो है कि आपके कंडक्ट होंगे। 8 सितंबर से स्टार्ट होगा और 19 सितंबर 2022 तक चलने वाले हैं। फेज 4 का भी करीबन 2 तारीख को आपको कंफर्म हो जाएगा कि कब जो है कि फेज 4 का जो है कि कौन कौन से जोन में आपका जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे जैसे फेज 1 नोटिस जारी होगी मैं आपको अपडेट कराता जाऊंगा। फिलहाल फेज 3 में 4 जोन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। यदि आप इस जोन से बिलोंग करते हैं, फेज 3 में यदि इस जोन से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 8 सितंबर से स्टार्ट है और जो है कि आपका एग्ज़ाम डेट एंड सिटी बताया गया है कि आप जो है कि 7 बजे रात को 7 बजे 30 अगस्त 2022 को अपना जो है कि लिंक एक्टिव हो जाएगा। लेबर ट्रेवल अथॉरिटी ऑफ SC ST कैंडिडेट विल बी मेट लेटेस्ट बाय द इतना, ठीक है। तो 1 सितंबर को जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको जो है कि ट्रेवल के लिए जो अथॉरिटी मिलती है वो अपलोड कर दिया जाएगा, आप जो है कि सारी चीज़ें देख पाएंगे। 30 तारीख को सभी लोग अपना जो है कि एग्ज़ाम डेट एंड सिटी देख पाएंगे। और जो कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, देखिए यहाँ पर बताया गया, डाउनलोडिंग ई कैलेटर विल बी स्टार्ट 4 डेज ऑफ प्रियर टू एग्ज़ाम डेट। जिस एग्ज़ाम डेट आपका रहेगा, मान लीजिए 8 तारीख को है, तो 4 तारीख को ही आपका जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्ज़ाम सेंटर प्रियर टू एंट्री एग्ज़ाम हॉल। देखिए, आपको जो कि एग्ज़ाम सेंटर पर आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड लेकर जाना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड की डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एडमिट कार्ड पर दिया गया होगा क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है, देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कि क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट। देखिए, आपको कोई बुमराह बना रहा है कि ये चीज़ें सेंट्रल रेलवे का इस डेट को है, जैसे देखिए ऐसे अपना एग्ज़ाम डेट एंड सिटी चेक कीजिए, तो आप उनके पर विश्वास मत कीजिए, वहाँ मत जाइए। हम लोग हैं आपको सही डायरेक्शन देने वाले। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत डायरेक्शन आपको दे सकते हैं, तो ऐसा आप बचे रहिए। कैंडिडेट आर टू एडवाइस, यहाँ पर बताया गया है कि रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑफिशियल देखिए गलत वेबसाइट पर ले जाकर आपको जो है कि गलत तरीके से पेमेंट भी करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप गलत वेबसाइट पर जाने से बचें। यहाँ पर बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज़ नॉट टू बी मिसलेडेड बाय द अथॉरिटी सोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बताया गया है कि आप गलत वेबसाइट पर न जाएं, ठीक है। तो हम लोग हैं आपको सही डायरेक्शन देंगे, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप किसी और के गलत डायरेक्शन में न जा पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं चलता हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम डेट एंड सिटी चेक करना है, देखना है, कैसे आप देख पाएंगे, कैसे एप्लीकेशन नंबर अपना फाइंड कर पाएंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय नंबर बात करते हैं, सीधे उस डायरेक्शन में आते हैं जहाँ से आप चेक कर पाएंगे। सिंपल सा आपको गूगल पर आ जाना है, गूगल पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। देखिए, ये काफ़ी फैथफुल वेबसाइट है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें फेक नहीं अपलोड किया जाता है, काफ़ी अच्छा तरीके से सारी चीज़ें जो है कि अपलोड किया जाता है।
आपको इस वेबसाइट पर विश्वास काफ़ी लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, यहाँ पर कोई गलत चीज़ें अपलोड नहीं किया जाता, जो ऑफिशियल होता है वही चीज़ें। देखिए सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया, यहाँ पर आपको जो कि टैप करना है, टैप करते ही नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपल सा आ जाना है एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर। यहाँ देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन हो यहाँ आ गया आपका, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी फेज थर्ड एग्ज़ाम डेट 2022। यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपका ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको आ जाना है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, और आ जाना है यहाँ पर देखिए लिखा गया है रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक, रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी रेलवे से अपडेट रहते हैं यहाँ पर आपको जो कि मिल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोवाइजर पैनल पर देखिए ये पर नोटिस फॉर एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फेज थ्री, यहाँ पर देखिए कल का ही अपडेट है कि नोटिस फॉर एग्ज़ाम डेट शेड्यूल फेज थ्री के लिए नोटिस जारी किया गया है। और जो कि मैं आपको बता दिया हूँ कि भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नई दिल्ली, चेन्नई चार जोन का एग्ज़ाम के लिए नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो कि 30 तारीख को एग्ज़ाम डेट एंड सिटी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो देखिए आप जब लिंक एक्टिव होगा तो आपका इस प्रकार होगा। देखिए लिंक मैं एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 18 तारीख लिखा है, सेम ऊपर जैसे यहाँ पर अपडेट में आएगा 30 तारीख को, यहाँ पर ठीक ऊपर आएगा डेट में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया होगा 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त को सेम ऐसे ही आपको जो कि यहाँ पर आ जाएगा द लिंक ऑफ एग्ज़ाम सिटी, ठीक ऊपर 30 का डेट रहेगा, द लिंक ऑफ एग्ज़ाम सिटी स्लिप फॉर सीबीटी फेज थर्ड, यहाँ पर सेकेंड की जगह आपका फेज थर्ड हो जाएगा, और सी इन नंबर 81/1/2019 लेवल फर्स्ट इज गिवेन बेलो, क्लिक हेयर फॉर एग्ज़ाम सिटी स्लिप लिंक फॉर सीबीटी, यहाँ पर थर्ड दिया है तो यहाँ पर सेकेंड दिया है तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा यहाँ पर ऐसे आपका आ जाएगा। आपको फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक, यहाँ पर जब आपका आ जाएगा क्लिक हेयर एग्ज़ाम सिटी स्लिप लिंक फॉर सीबीटी थर्ड, यहाँ पर सीबीटी, जैसे देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे जो है कि आएगा तो आपको चेक करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी सेकेंड का फेज सेकेंड पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब थर्ड आ जाएगा तो आपको सेम प्रोसेस वही है, प्रोसेस समान रहने वाले हैं। यहाँ पर फिर जैसे देगा लिंक एक्टिव, अब आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर फेज सेकेंड का नॉर्थन का बताया गया है, नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे, जयपुर, ईस्टर्न भुवनेश्वर, ये सब, बिलासपुर, कोलकाता, जबलपुर, ये सारी चीज़ें, इलाहाबाद, ये पांच जोन के जो है कि सेकेंड फेज में होने वाले थे एग्ज़ाम, उनके लिए जो है कि ये लॉगिन करने के लिए एग्ज़ाम डेट एंड सिटी देखने के लिए ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जितने भी मतलब ये पांच जोन के हैं और फेज सेकेंड में, और चार जोन के एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट होने वाले हैं फेज थ्री में, ठीक, फेज थ्री में जो है कि चार जोन के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके दिखाई देंगे नाम, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, फिर जो है कि नई दिल्ली, चेन्नई, और जो चार जोन के एग्ज़ाम होने वाले हैं यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई देंगे। फिर आपको जो है कि यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना प्राप्त करेंगे, केवल अपना नाम, किस जोन से भरे हैं और मोबाइल नंबर से, बस इतना ही चाहिए। यदि आपको पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, देखिए यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिएगा, यहाँ पर महीने में, ठीक, सॉरी, दिन में, महीने में, और फिर वर्ष में आप जो है कि जो आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ होगा, मैं एक ऑप्शनल तरीके बता रहा हूँ, जैसे आपका मर्जी, ठीक है, लॉगिन करेंगे, फिर फिलअप करने के बाद लॉगिन करने के बाद मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे जो है कि एग्ज़ाम सिटी एंड डेट का प्रोसेस दिखाई देगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना प्राप्त करेंगे। बैक आ जाना है और नीचे देखिए स्क्रॉल करते हुए आपको आ जाना है, यहाँ पर आएंगे, देखिए 8 अगस्त 2022 फर्स्ट फेज फर्स्ट के लिए जब नोटिस जारी किया गया था, वो लिंक एक्टिव हुआ था, तभी जो है कि यहाँ पर बता दिया गया था कि क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक फॉर सीबीटी, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही देखिए नेक्स्ट इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है,
फिर से मैं बैक आ जाता हूँ, थोड़ा जो है कि काम नहीं कर रहा है। फिर से मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ। प्रोसेस देखिए समान होते हैं, किसी के लिए वही हो जाता है। थोड़ा देखिए नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पर एप्लीकेशन क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर गेट नंबर। आपको नहीं पता है तो कैसे आप जो है कि प्राप्त करेंगे, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB CE नंबर RRC फर्स्ट 2019 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कैसे प्राप्त करना है। यहाँ पर अपना जो है कि सिलेक्ट करेंगे किस जोन से आप फॉर्म भरे हैं। ठीक है, यदि मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई से फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर आपको जो है कि फिलअप कर लेना है। ऑप्शनल तरीके आएगा, यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखना है, आपका क्या नाम है, फॉर्म भरते समय क्या नाम दिए हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पर ऐसे अपना नाम लिख लेना है, रवि यादव। यदि आपका रवि यादव नाम है तो रवि यादव, यदि आपका जो भी नाम हो यहाँ पर अपना फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप मेंशन कर लीजिएगा, दिन में महीने में। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी याद है तो ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर याद है कि कौन सा मैं दिया हूँ फॉर्म भरते समय तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यदि दोनों में से ये भी नहीं याद है तो आधार नंबर अपना देकर यहाँ पर फिलअप करेंगे, आधार नंबर फिलअप करेंगे। तो फिलअप करने के बाद सेक्रेटरी कोड फिलअप करेंगे। यहाँ पर जो सेक्रेटरी कोड दिया गया है सभी लोगों के अलग अलग दिए जाएंगे। सेक्रेटरी कोड यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ठीक नीचे लिख कर आएगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, जब सबमिट करेंगे तुरंत जो है कि आपको दिखाई देगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे देगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप पता हो जाएगा, फिर अपना जो है कि एग्ज़ाम डेट एंड सिटी भी चेक कर पाएंगे, एडमिट कार्ड भी देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, सारे प्रोसेस वही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करके वहाँ पर अपना जो है कि फिलअप करके अपना एग्ज़ाम डेट एंड सिटी देख पाएंगे। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसा जो है कि लॉगिन करने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट एंड सिटी का ऑप्शन आगे आने वाले हैं। देखिए वहाँ पर लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार आपका आ जाने वाला है, रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CE RRC फर्स्ट 2019। ठीक है, यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप, यहाँ पर आपका जो है कि जोन दिखाई देगा इलाहाबाद, जिस भी जोन से आप फिलअप किए होंगे यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर पंजीकरण संख्या, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। उम्मीदवार का नाम यहाँ पर आपके नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, लिंक क्या है, आपका जेंडर क्या है, यहाँ पर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम डिटेल दिखाई देगा कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, सेम प्रोसेस वही रहने वाले हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम, किस डेट को एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है, पाली आपका किस स्टेट राज्य में गया है, बिहार, टेस्ट सिटी किस परीक्षा किस शहर में है तो पटना। अब जिस भी शहर से होगा तो उस दिन आपको पता चल जाएगा 30 तारीख को। प्रथम पाली का एग्ज़ाम 7:30 बजे सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक चलने वाला है। सॉरी ये तो रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन आपका जो है कि क्लोज आपका 8:30 सुबह 8:30 बजे जो है कि क्लोजिंग हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। 8:30 से 9 बजे तक जो है कि आपका इसके बाद आपका 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। गेट जो है कि रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, क्लोजिंग टाइम जो है कि 8:30 बजे, और 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 1.5 घंटे 10:30 बजे तक चलने वाले हैं। फिर 11:15 बजे से रिपोर्टिंग है, फिर 12:12 बजे तक चलने वाला है, 12:45 से एक एग्ज़ाम होगा, सेकेंड पाली का, थर्ड पाली का, ऐसे जो है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 30 तारीख को पता चल जाएगा सभी लोगों का। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस वही है, इंस्ट्रक्शन है, ये सारी आप पढ़ सकते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।